BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। गाइस बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट्स आ चुके हैं क्वार्टर फोर के। अभी अभी शेयर के प्राइस के बारे में बात करेंगे, शेयर के बारे में बात करेंगे, जिसके पास पोजीशन है उसको क्या करना चाहिए, कैसे रहे रिजल्ट्स। रिजल्ट्स गाइस बिल्कुल अच्छे नहीं रहे हैं, पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूँ, डिटेल में जानकारी देंगे, सारी बात करेंगे गाइस बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कि इसके बाद क्या करना चाहिए गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस सबसे पहले शेयर की बात कर लें, शेयर भाई फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ है गाइस 84 रुपये पे 83.85 पे 0.30 पैसे बढ़कर। ओपन हुआ था 84.60 पे, हाई भी वहीं लगाया 84.60 का और गाइस लो लगाया 81.80 का। वॉल्यूम की बात करें तो गाइस एवरेज वॉल्यूम के मुकाबले कल बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई थी फ्राइडे के सेशन में। एवरेज वॉल्यूम 60 मिलियन के हैं जिसमें ट्रेडिंग कल हुई है 93 बिलियन की। और PE की बात करें तो गाइस 14 के PE पे ट्रेड कर रहा है शेयर। मार्केट कैप की बात करें तो 43 बिलियन का है। तो गाइस ये तो हो गई आपकी शेयर की बात। गाइस और थोड़ी सी जानकारी ली जाए शेयर के बारे में पहले, उसके बाद रिजल्ट्स की बात करेंगे एक एक चीज़ पे। गाइस रिजल्ट्स की बात करने से पहले मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ बता दूं। कंपनी का सबसे पहले तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं। गाइस रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 1% का है, तो देख सकते हैं कि गाइस बिल्कुल डेड है एक तरीके से। 1% का रिटर्न ऑन इक्विटी है जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार है। गाइस और बात करें तो अब अर्निंग पर शेयर की बात कर लें, पिछले 3 साल का देखें तो सन 2018 में -10% था, 19 में 1.64 और 20 में 1.36, यानी कि 1% का ही अर्निंग पर शेयर है जो कि वो भी बेकार है। गाइस एस्टीमेट टारगेट वगैरह की बात करें बिना देर के तो गाइस ब्रोकरेज हाउसेस, दो ब्रोकरेज हाउसेस की बाय की रिकमेंडेशन है, 8 की 5 की होल्ड की है। एवरेज निकाला जाए तो टॉप टारगेट 110 का जो कि यहाँ से काफ़ी ऊपर के लेवल दिखा रहा है, बट गाइस जो मीडियम है वो 84 का है और लो 71 का है जो कि नीचे भी काफ़ी है। शेयर 84 पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे में गाइस जिसने पोजीशन ले रखी है उसे क्या करना चाहिए। और ऑनरशिप की बात करें तो ऑनरशिप में गाइस थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। FIIs वगैरह ने पोजीशन बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने भी पोजीशन बढ़ाई है, वहीं पे प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी घटा दी है गाइस, वो भी हैवी तरीके से। हिस्सेदारी की बात करें तो दिसंबर 2020 में गाइस 71.6% प्रमोटर्स के हाथ में थे शेयर, मार्च 21 में 63.97 रह गए हैं जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए हैं, देख सकते हैं आप। म्यूचुअल फंड की बात करें तो दिसंबर 20 में 6.47% की होल्डिंग्स थी जो कि बढ़ाकर 9.2% की हो गई है। इंश्योरेंस कंपनी में भी गाइस होल्डिंग बढ़ाई है अपनी, दिसंबर 20 में 4.56% की थी, मार्च 21 में 6.32% की हो गई है, यहाँ भी बढ़ाई है पोजीशन गाइस इंश्योरेंस कंपनी ने भी। FII की बात करें तो उन्होंने भी गाइस स्टेक बढ़ाया है, 4.32% से बढ़ाकर 6.89% कर दिया है, बट गाइस कंपनी की तरफ से ओवरऑल कहीं भी कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। बिना देर के अब गाइस चलते हैं एवरेज वॉल्यूम वगैरह और रिजल्ट की तरफ, की रिजल्ट मैंने आपको बेकार बताया तो किस बेस पे बताया तो आप भी देख लीजिए गाइस। 52 वीक हाई की बात करें शेयर की तो 100 रुपये का है, 52 वीक लो की बात करें तो 37 रुपये का लो है जहाँ से अच्छा खासा रिटर्न दिया है शेयर ने। ऑल टाइम हाई की बात करी जाए गाइस शेयर के तो ऑल टाइम हाई 230 रुपये का है शेयर का, ऑल टाइम लो गाइस 6 रुपये का है, तो देख सकते हैं कि कितनी बड़ी रेंज है और शेयर अभी 84 पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे में आपको बाय करना चाहिए गाइज मेरे हिसाब से तो नहीं, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 1% का है उस पर क्या ही शेयर पे आप भरोसा कर सकते हो गाइज, कंपनी खुद ही पैसा नहीं निकाल पा रही। प्राइस एंड वॉल्यूम की बात कर लें तो 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम और प्राइस डिलीवरी देखी जाए गाइज तो जो एवरेज वॉल्यूम निकल के आ रहे हैं वो 8 करोड़ 80 लाख शेयर का है, डिलीवरी देखी गई है 20% की। कल की बात करें तो कल गाइज 9.5 करोड़ की वॉल्यूम देखे गए थे जिसमें गाइज डिलीवरी केवल 15% की हुई है, तो देख सकते हैं कि कितनी कम डिलीवरी हो रही है, केवल और केवल ट्रेडिंग चल रही है, इस शेयर में कुछ भी नहीं हो रहा है। रिटर्न की बात करें तो 1 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है शेयर ने, 117% का, 6 महीने में 64% का, 3 महीने में नेगेटिव है 2% और 1 महीने में 24% का रिटर्न है। अब गाइस बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की, कि मैं आपसे रिजल्ट बेकार बता रहा हूँ तो किस बेस पे। कंपनी ने गाइस अभी अभी रिजल्ट पोस्ट करे हैं 5 बजे, अभी 5:11 हो रहे हैं गाइज। मैं आपको बता दूँ कंपनी मुनाफे से नुकसान में आ गई है, 5 बिलियन के मुनाफा था जो ईयर ऑन ईयर पे 5.06 बिलियन के प्रॉफिट के मुकाबले लॉस कंपनी ने कराया 10.46 बिलियन रुपीस का, तो जितना फ़ायदा था उससे भी डबल ईयर ऑन ईयर बेस पे लॉस लेके आई है, मतलब 5 बिलियन के प्रॉफिट के मुकाबले 10 बिलियन का लॉस लाई है अगर राउंड फिगर में बात कर ली जाए तो।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करी जाए तो 10.61 मिलियन के मुनाफा आया है गाइस, एस्टीमेट 11 बिलियन का लगाया जा रहा था तो यहाँ भी एस्टीमेट से नीचे ही रह गया है शेयर। गाइस इनकम की बात करें, ब्याज की जहाँ से जो मेन कमाई होती है बैंक की, इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 186 बिलियन के मुकाबले 166 बिलियन आया है, यहाँ भी गाइस डाउनसाइड देखी गई है। सबसे बड़ी बात, अब एनपीए की बात करें, ग्रॉस एनपीए गाइस बढ़ गया है, 8.87% हो गया है 8.48 के मुकाबले क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यहाँ भी गाइस दिक्कत। नेट एनपीए की बात करें तो 3.09% आया 2.39% के मुकाबले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो गाइस एनपीए बढ़ रहा है, नेट इनकम इंटरेस्ट इनकम घटी है, टोटल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई है कंपनी। तो मेरी तरफ से तो गाइस बहुत ही ज़्यादा बेकार रिजल्ट माने जाएंगे एक तरीके से। कंपनी गाइस फंड रेस करने की ऑल्सो सोच रही है, 21 तारीख को न्यूज़ आई थी बीओबी की तरफ से, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, कि बैंक टू कंसीडर क्वार्टर फोर रिजल्ट्स ऑन 29th में एंड ऑल्सो रेजिंग ऑफ फंड कैपिटल। तो गाइस रिजल्ट्स तो आ गए हैं जो कि बेकार आए हैं, और कैपिटल फंड के बारे में भी कोई जानकारी नहीं आई है कि रेस कर रही है तो कैसे कर रही है और कहाँ से कर रही है, वैसी कोई जानकारी नहीं आई है। ऐसे में गाइस जिसके पास पोजीशन है उसे क्या करना चाहिए? गाइस रिजल्ट तो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, इनफैक्ट रिजल्ट प्रॉफिट से लॉस में आ गई कंपनी वो ठीक, एनपीए भी गाइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतदेही हो सकता है शेयर के लिए। शेयर नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है गाइस परसों के सेशन में मंडे को। गाइस मेरी इस पे कोई भी बाय कॉल नहीं बन रही, नियर टर्म की मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा, और कैश में गाइस जिस शेयर पे बहुत कम ईपीएस आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी बेकार है बिल्कुल, वो गाइस थोड़ा बहुत ऊपर जा भी सकता है बट आगे चल के आपको लॉस ही देगा वो शेयर। मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से गाइस आपको अगर ठीक लगता है तो करिए, वरना मैं शेयर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे कहीं से कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है इस शेयर में। गाइस आपके ऊपर है आपको क्या लगता है, बाकी रिजल्ट्स बेकार हैं आपने भी देख लिया। तो गाइस ये थी मेरी राय बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर पे, जिसके पास पोजीशन है गाइस वो हो सके तो निकल ही जाए, क्योंकि इसमें लंबी अवधि में भी मेरे हिसाब से पैसा नहीं बनता दिख रहा है मुझे, और शॉर्ट टर्म तो नेगेटिव हो ही गया इतने बेकार रिजल्ट के बाद। तो ये गाइस मेरी वीडियो बैंक ऑफ बड़ौदा पे, होप आप सभी को पसंद आई होगी गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे गाइस।